कर लेता हूँ। सो दोस्तों, पहले एलाइट मशीन को ओपन कर लेना है, फिर प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पर दो प्रोजेक्ट रहेगा, बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट। तो यहाँ पर बीट मार्क में टैप करना है। चलो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखो एक लोगो है, फर्स्ट में एक लोगो है। फर्स्ट अपने लोगो को ऐड कर लेना है, फिर यहाँ पर एक फोटो ऐड कर लेना है। यहाँ तक 8:26 सेकंड तक यहाँ पर एक फोटो ऐड कर लेना है। फिर 8:26 सेकंड से हर एक में इफेक्ट लगा हुआ है, इफेक्ट को ऐड कर लेना है। हर एक फोटो में इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है।